दोस्तों अभी के टाइम में सबसे ज्यादा दिक्कत जो है वो है मल्टीपल लोन एप्स। मल्टीपल लोन एप्स कैसे होता है, मतलब क्या है मल्टीपल लोन एप्स का, मतलब क्या है सबसे पहले आप लोगों को वो समझा देता हूँ। मल्टीपल लोन एप्स का मतलब है एक से ज्यादा लोन ऐप से अगर आपने लोन लिया है और आप रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो उसमें बोला जाता है मल्टीपल लोन ऐप्स से आपने लोन लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, ये मल्टीपल लोन ऐप्स क्यों होता है, ज्यादातर देखने को मिलता है ये मल्टीपल लोन ऐप्स, एक लोन ऐप से लोन लेने के बाद वो लोन जो है क्लोज नहीं करने के वजह से दूसरा लोन ऐप से अगर आपने पैसा लेके उसको चुकाने का कोशिश करते हैं, वैसे उसी तरीके से जो है एक एक करके लोन अकाउंट बढ़ते जाते हैं। एक क्लोज करने के चक्कर में दूसरा लोन अकाउंट लेना, दूसरा क्लोज करने के लिए तीसरा लेना, उससे क्या हो रहा है कि मल्टीपल लोन ऐप से आपने लोन ले रहे हो। और एक चीज होता है कि आप एक लोन एप्लीकेशन से लोन लिए, अब वो लोन एप्लीकेशन से लोन लेने के बाद आपने क्या किया, कोई भी शेयर मार्केट हो, कोई भी ऐसे गेम में हो जहां पर आपने इन्वेस्ट कर दिया जिसमें पैसा डबल होने वाला है, ऐसा जो है जगह पे आपने इन्वेस्ट कर दिया और पैसा डूब गया। अब आप लोगों को पेमेंट करना है लेकिन आप पेमेंट नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है, तो आप लोग क्या करते हो, लोन लेते हो, फिर से दूसरा लोन लेते हो। अब दूसरा लोन लेने के बाद क्या हुआ, मानो कि दूसरा लोन ले रहे हो, वो भी पेमेंट करना पड़ेगा, ये भी पेमेंट करना पड़ेगा, अमाउंट जो है यूज हो रहा है, तो आप क्या किया, फिर से जो है गेम में लगा दिया, पैसा डबल होगा, मैं पैसा दोनों में चुका दूंगा, मेरे पास भी पैसा रह जाएगा। अब इसे ऐसे करते करते आप लोगों ने दो तीन लोन एप्लीकेशन से लोन ले लेते हो और आप लोगों का सारा पैसा डूब जाता है और आप लोग यहां पर फंस जाते हो। ये जो है मेन रीजन, दो रीजन बता दिया आप लोगों को, बता दूं ये 99% लोगों ने इसी तरीके से लोन लिया है मल्टीपल लोन एप्लीकेशन से। अब यहां पर मल्टीपल लोन एप्लीकेशन से अगर आप लोगों ने लोन लिया है, आप लोगों को पता है कि मल्टीपल लोन एप्लीकेशन से लोन लेने के बाद आप लोगों के साथ हैरेसमेंट कितना ज्यादा होता है। एक लोन एप्लीकेशन से लेते हो तो वही जो है मतलब आप लोगों का जीना हराम कर देते हैं, लेकिन यहां पर अगर आप लोग मल्टीपल लोन एप्लीकेशन से लोन लेते हो तो वहां पर अलग अलग कंपनी आप लोगों को इतना परेशान करेगा, आप लोग सोचोगे कि मैं मैंने क्या कर दिया, क्या गलती कर दिया मैंने, आप लोगों का दिमाग काम करना बंद कर देगा। आप एक लोन एप्लीकेशन से लोन लेने के बाद आप लोगों के साथ ऐसा चीजें हो रहा है, आप लोग समझो 10 लोन एप्लीकेशन से लोन लेने के बाद अगर आप डिफॉल्ट करते हो तो क्या होगा आपके साथ। लेकिन आप लोगों को बता दूं इस वीडियो में सारा कुछ आपका डर जो है खत्म हो जाएगा ये वीडियो देखने के बाद, क्योंकि आप लोगों को बता रहा हूं मल्टीपल लोन एप्लीकेशन में अगर आपने 10-20 लोन एप्लीकेशन से लोन लिए हो, पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, एक लोन एप्लीकेशन से अगर आप लोन लिया था रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो जैसे आपके साथ हैरेसमेंट हो रहा है, आपके साथ कुछ करेगा तो नहीं लेकिन हैरेसमेंट करेगा, उससे ज्यादा कुछ होता नहीं है। सेम उसी तरीके से मल्टीपल लोन एप्लीकेशन से भी सेम चीजें ही होता है। अगर आप लोग लोन लेते हो मल्टीपल लोन एप्लीकेशन से 10-15-20 अलग अलग तरीके से, वो आपको डराएगा धमकाएगा लेकिन कोई भी ऐसा लीगल एक्शन वगैरह नहीं लेगा। लेकिन हाँ आप लोगों को बता दूं यहां पर आप लोगों को ध्यान रखना है, अगर मानो ECS एक्टिवेट है तो उसका जो है पेमेंट करने का कोशिश करिए जल्दी से जल्दी, क्योंकि यहां पर ECS के ऊपर जो है कोर्ट में जाके केस करते हैं, कुछ ऐसे एप्लीकेशन है जिसमें ये सब चीजें करता रहता है, तो आप लोगों को वहां पर सेटलमेंट का ही ऑफर मिलेगा, कोई डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पर हैरेसमेंट क्या होता है पता है, आप लोगों को 1000-1500 किलोमीटर दूर जाके वहां पर कोर्ट में हाजिरी देना पड़ेगा, जो कि एक हैरेसमेंट है। लेकिन यहां पर कोई भी ऐसा चीज नहीं कि आपको कोर्ट में बुलाया जाएगा और आपका जेल हो जाएगा, ऐसा जो चीज है कुछ भी होता नहीं है। वहां पर अगर जाओगे नेक्स्ट डेट में आपको देखा जाएगा कि कौन सा डेट में लोक अदालत का डेट पड़ रहा है, उसमें भेजेगा और आपको वहां पर आपको सेटलमेंट करने का ऑफर दे देगा और आपका केस भी विथड्रॉ कर देगा। तो ये चीज होता है इन लोगों का जो भी है ये सब प्लान करके रखते हुए। लेकिन अगर मानो ECS नहीं है, ठीक है, तो आप लोगों को डरना घबराना नहीं है बिल्कुल भी। यहां पर आप लोगों के ऊपर ना ही 420 का केस होने वाला है, ना ही 406 का होगा, ट्रस्ट इशू का जो भी केस होता है ना, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, कोई भी केस नहीं होने वाला। तो उसी तरीके से आप लोगों को डरना घबराना नहीं है कि अगर आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, मल्टीपल लोन एप्लीकेशन से है तो आपके साथ कुछ करेगा। एक एप्लीकेशन से आपने लोन लिया है, वहां पर आप लोग देख रहे हो कुछ नहीं कर रहा है, तो मल्टीपल लोन एप्लीकेशन से भी कुछ नहीं होगा। ठीक है दोस्तों आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा होगा तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि मल्टीपल लोन एप्लीकेशन से लोन लेने के बाद अगर आप डिफॉल्ट कर जाते हो तो आप लोगों के मन के अंदर जो भी डर है वो खत्म हो गया होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को सारा कुछ डिटेल वाइज बता दिया है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, आपके पास लीगल नोटिस भेजेगा, कॉल भेजेगा, बहुत सारा चीजें करेगा, लेकिन आपको डरना नहीं है, डर अपने मन से निकाल दीजिए, देखिएगा एक दिन आप लोग इससे निकल जाओगे खुद से ही। दोस्तों तब तक के लिए चलते रहो, टेक केयर, जय हिंद जय भारत दोस्तों।